हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग पूजा की ज़िंदगी। तो कैसे हो आप सब? तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं वापस आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए लेके एक नया ब्लॉग जो कि है रेसिपी। तो मैं आज बनाने वाली हूँ जो कटहल का बीज होता है, हम जो कटहल खाते हैं उसके बीज निकलते हैं, उसकी ही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ दिन हो गया है कटहल का बीज का। ये मैं आसाम से मंगाई थी। एक्चुअली यहाँ पर कटहल नहीं मिलता है ज़्यादा, तो मेरे पापा लेके आए थे। और ये आलू लिया है, मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर में सब नहीं जानते हैं ये सब, तो इसलिए मैं थोड़ा बनाऊंगी। अगर अच्छा लगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। तो उसके बाद इसको हम उबालेंगे कुकर में। तीन सीटी दिलवाएंगे हम। तो गैस पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ गैस घर पर ट्राई करें। तो उसके बाद इधर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है कुकर, और इधर मैंने टमाटर और हरी मिर्च काटी है क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल है, तो हम इसीलिए बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी जब बनाते हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए इधर तीन सीटी आ चुकी है कुकर में। और उसके बाद में जब कुकर ठंडा हो जाए तभी ढक्कन को खोले। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे आलू छील लिया है, और जो बीज था कटहल का बीज उसको भी छील के काट करके रख दिया है, क्योंकि हम एक्चुअली ये मेरी सासू माँ ने किया है तो मैंने इसका सूट नहीं किया था। तो उसके बाद में फिर हम इधर ये सब तैयार कर लिए, तो गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हम ऑयल डालेंगे। ये सरसों का तेल हम मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे रिफाइन तेल कम पसंद है, तो मैं यहाँ पे सरसों तेल यूज कर रही हूँ। और तेल गर्म होने के बाद ही जीरा डालें, नहीं तो जो सब्ज़ी होती है उसमें तेल का एक्चुअली स्वाद आने लगता है, तो जो कि अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमेशा तेल गर्म होने के बाद ही जीरा डालें। उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा इसमें हींग डाला है जो कि सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाता है। मैं हर सब्ज़ी में ही हींग का इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली है, जो मैंने हरी मिर्च काटी थी वो मैंने डाला है। उसके बाद में फिर हम बीज डालेंगे, जो मैंने बीज कटहल का बीज वो काटा था मैं वो डालूँगी। उसको फ्राई कर लूँगी पहले क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है, तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए जो कटहल का बीज है हम उसको पहले तेल में फ्राई करेंगे इस तरह से हरी मिर्च में डाल के, और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। फिर मैं इसमें थोड़ा नमक डालूँगी, एक चम्मच। मैंने एक्चुअली सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाया है क्योंकि बस एक दो लोगों के लिए बनाया है, तो इसमें मैं नमक स्वाद अनुसार डालूँगी। और उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी हल्दी आधा चम्मच। उसके बाद थोड़ी देर इसको चला दूँगी और पकने दूँगी। फिर इसमें हम जो बाकी का मसाला है उसके बाद में हम ऐड करेंगे। और देखिए अभी भी थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन ही हुआ है, अभी थोड़ा बाकी है। तो उसके बाद में फिर थोड़ी देर इसको पकने देने के बाद में देखिए अभी ये लगभग पक चुका है, तब हम इसमें जो बाकी का मसाला है वो ऐड करेंगे, जैसे कि धना पाउडर 2 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें 2 चम्मच क्योंकि थोड़ा मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है। आप अगर तीखा कम खाना पसंद करते हो तो कम डाल सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसे यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद में फिर थोड़ा, अगर जैसे अगर ये कढ़ाई में लग रहा है तो हल्का सा पानी आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि मसाला थोड़ा लगने लगता है जब आप मसाला डालते हो। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो आलू है। हमने जो 4 आलू ये किए थे उसको हम थोड़े से टुकड़े टुकड़े पहले ही करके मैंने रख दिए थे, तो उसको हम ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने अब आलू ऐड कर दिया है, जो मैं हमेशा आलू को हाथ से ही टुकड़े करके फिर डालती हूँ, कट करके नहीं डालती हूँ चाकू से। तो उसके बाद में फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ये मतलब आलू को हम बाद में डालेंगे क्योंकि बीज को हमें पकने देना है, और थोड़ा लेट ही हम उस टमाटर डालेंगे क्योंकि टमाटर मुझे थोड़ा खरा पसंद है, तो इसीलिए मैं टमाटर बाद में डालूँगी। अगर आपको ज़्यादा गला हुआ टमाटर पसंद है तो पहले भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो 2 मिनट पकने के बाद मैं इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर, ये थोड़ा सा सब्ज़ी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है, तो इसीलिए हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे।
फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, और प्लीज़ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो उसके बाद में फिर ये हमारा सब्ज़ी लगभग हो गया है, अब हम इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि सब्ज़ी को हम ज़्यादा रसदार नहीं बनाने वाले, हल्का सा ही चाहिए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। और पानी डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको पकने देंगे। तो सब्ज़ी को थोड़ी देर पकने देने के बाद फिर हमें इसमें, ये थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने थोड़ा और पानी ऐड किया है, उसके बाद में फिर लास्ट में मैं इसमें डालने वाली हूँ। अभी ये देखिए सब्ज़ी अब पक चुकी है, तो मैं इसमें अब थोड़ा सा अब डालने वाली हूँ गरम मसाला, थोड़ा सा स्वाद के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। तो हमारी सब्ज़ी अब बन के तैयार है, तो ये मैं अब प्लेट में सर्व करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। और यहाँ पे मैं प्लेट में अब सर्व कर चुकी हूँ, तो देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। बाय बाय।